नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कहीं ना कहीं अफसरशाही आवी होती नजर आ रही है। हालत यह बन गई है कि अफसरशाही के चलते आम लोगों के साथ साथ मंत्री, सांसद और विधायक भी काफी परेशान हैं, या फिर यूं कहे कि अधिकारी मंत्रियों, विधायकों की शिकायतों को या तो अनसुना कर दे रहे हैं या फिर उनकी शिकायतों को तवज्जो नहीं दे रहे, जिससे परेशान होकर विधायक, सांसद और मंत्री इसकी शिकायत IGRS पर दर्ज करवा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि योगी सरकार ने इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम लागू कर रखा है, जिसे IGRS पोर्टल के रूप में भी माना जाता है। इस पोर्टल में कोई भी सीधे CM से शिकायत कर सकता है, लेकिन हाल ही के दिनों में देखा गया कि आम आदमी के अलावा इस पोर्टल पर मंत्री, सांसद और विधायकों ने भी अपनी शिकायतें दर्ज करवानी शुरू कर दी है, जिसमें काफी चौंकाने वाली बात सामने आई है। इन लोगों ने अपनी शिकायतों में बताया है कि प्रदेश में कई अफसर मंत्रियों, सांसद और विधायकों की बात को नजरअंदाज कर देते हैं। इस बारे में नेता और विधायक कई बार CM योगी से भी शिकायत कर चुके हैं। माननीय की शिकायतों पर मुख्यमंत्री सचिवालय ने काफी गंभीरता से लिया है और यहां तक कि संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देशन देते हुए साथ साथ पूरे प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स को चेतावनी भी दे डाली है। मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की शिकायतों पर और उनके सुझावों को गंभीरता से लेने को कहा गया है, और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो भी इन आदेशों को अनदेखा करता है या फिर अनसुना करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि CM योगी आदित्यनाथ को भ्रष्टाचार और लापरवाही बरतने वाले अफसरों से पहले से ही नापसंद है। ऐसे में ये तो साफ है कि सरकार की ओर से दी गई चेतावनी को अगर अफसर पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना तय है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं, और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।